सत्ता में अब आज की दो ऐसी राजनीतिक तस्वीरें जिनमें संकेत है, स्ट्रेटजी है, फ्यूचर प्लानिंग है और राजनीतिक व्यंग भी है। जी हां, पहली तस्वीर के किरदार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दूसरी तस्वीर में नीतीश कुमार और राहुल गांधी की बहुप्रतीक्षित मुलाकात है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। आज इन दोनों तस्वीरों पर सत्ता की डिटेल कुंजी खोलेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पीएम मोदी और अशोक गहलोत की उस वर्चुअल मुलाकात से, जिसमें पीएम मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं और अशोक गहलोत बहुत खुश हो रहे हैं। खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके राज्य को एक वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिला है। यह कार्यक्रम पूरी तरह सरकारी था, लेकिन इसमें जो कुछ बोला गया उसके कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। जी हां, दरअसल आज दिल्ली से अजमेर रूट के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए वर्चुअल कार्यक्रम था। इसी मौके पर पीएम मोदी ने राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक संकट पर चुटकी ले ली। उन्होंने अशोक गहलोत को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से राजनीतिक आपाधापी के बाद भी अशोक गहलोत जी ने विकास के कामों के लिए समय निकाला है, उनका विशेष अभिवादन होना चाहिए। इस एक लाइन से पीएम मोदी ने कैसे राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर व्यंग किया, उसे डीकोड करें। उससे पहले एक बार पीएम मोदी का पूरा बयान आप सुन लीजिए। मुझे विश्वास है कि आधुनिक वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी और मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। तो देखा आपने, दरअसल प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत की जिस राजनीतिक आपाधापी में फंसे होने की बात कही वो सचिन पायलट के कल वाले अनशन की ओर संकेत था, जिसमें सचिन पायलट अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए घेरने में जुटे। वैसे तो ये राजनीतिक संकेत था, लेकिन इसे विकास के कामों से जोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी ने थोड़ा चुटीला बना दिया। पीएम मोदी का यह संवाद यहीं नहीं रुका। आज के कार्यक्रम में विकास पर बोलते हुए दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर स्कोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अशोक गहलोत ने जहां राजस्थान के विकास के लिए योजनाओं की मांग कर अपना चुनावी स्कोर बढ़ाया, वहीं पीएम मोदी ने यह कहकर गहलोत को मात देने की कोशिश की कि आजादी के तुरंत बाद जो काम होने थे वो शायद उनके हिस्से के लिए बचा कर रखे गए थे। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि अशोक गहलोत के दोनों हाथों में लड्डू हैं। नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत के लिए किस लड्डू की बात कर रहे थे उसे समझने के लिए आप दोनों नेताओं के बयान पर यह छोटी सी रील जरूर देखिए। इस रील से आप यह भी समझ पाएंगे कि कैसे सभ्य शालीन भाषा और विकास की बात करके भी राजनीति में एक दूसरे को मात दी जा सकती है। गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो दो हाथ में लड्डू है। कुछ प्रस्ताव पेंडिंग है उसकी तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो रेलवे आदिवासी क्षेत्र में हमारे तीन जिले ऐसे हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक टोंक और एक करौली, जहां हमारे जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं रेलवे का। तो आपका आशीर्वाद मिलेगा, राजस्थान के जो बचे हुए भूभाग हैं वो पूरे होंगे।
जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो पहले वंदे भारत को मुस्कुराते हुए हरी झंडी दिखाना और फिर राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर हल्का सा कटाक्ष करना, बिल्कुल उसी तरह जैसे धीरे धीरे हरी झंडी दिखाई जाती है। पीएम मोदी की यह अदा गहलोत को चुभ गई। हालांकि वाद विवाद और संवाद की यह राजनीति खत्म नहीं हुई। अशोक गहलोत ने कार्यक्रम के बाद एक बयान जारी करके पीएम मोदी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। गहलोत ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए एक पन्ने का एक बयान जारी किया है, जिसमें लिखा है कि मुझे दुख है कि आज आपने मेरी मौजूदगी में वर्ष 2014 से पूर्व के रेल मंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, सरदार स्वर्ण सिंह, गुलजारी लाल नंदा सहित सभी के कार्यकाल के फैसलों को भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बोला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें उन्होंने और भी कई रेल मंत्रियों के नाम लिए और मोदी सरकार पर रेलवे का महत्व कम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपने अपने कार्यकाल में अलग रेलवे बजट को समाप्त किया है। आज आधुनिक ट्रेन चल पा रही है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री के रूप में 1991 में आर्थिक उदारीकरण किया और नई तकनीक को भारत में विकसित होने का अवसर दिया। वैसे राजनीतिक संकेतों वाला द्वंद्व जो आज देखने के लिए मिला, वो अगले कुछ महीनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि इसी साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, जहां गहलोत अपने जादू से सत्ता बरकरार रखना चाहेंगे, जबकि बीजेपी मोदी मैजिक के जरिए सत्ता में वापसी करना चाहेगी।